तो भैया सबसे पहले हमें आपको अपना वाईफाई ऑन कर लेते हैं और BSNL से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यार इसके बाद प्ले स्टोर में जाके आपको BSNL कनेक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसमें हमें डेटा यूसेज और स्पीड टेस्ट के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको स्पीड टेस्ट के हमें बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ फास्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ आपको मेरा जो है BSNL का 100 Mbps का यहाँ आपको प्लान है, तो देखते हैं हमें क्या स्पीड मिलती है। तो यहाँ आपको हमें 92-95 तक यहाँ आपको स्पीड देखने को मिली है। तो यार यहाँ आपको 100 Mbps के प्लान में 95 से 100 MB तक स्पीड मिल जाती है, तो ये काफ़ी एक सही स्पीड है। तो यार ये तो बात होगी यहाँ आपको मेगा बिट पर सेकेंड की, अब बात कर लेते हैं मेगा बाइट पर सेकेंड की। तो 8 बिट बराबर यहाँ आपको 1 बाइट होता है, तो हमें जो स्पीड मिली है हम उसे 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ आपको हम 96 को जो है 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें आपको 12 आंसर मिला है। तो इसका मतलब हमें जो डाउनलोडिंग स्पीड मिलने वाली है वो होगी 10 से 12 Mbps की। तो आप देख सकते हैं आपको हमें 12 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है।